अब राजधानी जयपुर से, जहां पर आज आम आदमी पार्टी के राजस्थान चुनाव प्रभारी विनय मिश्रा का बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उन्होंने निंदा करी है, तो वहीं आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए भाजपा और कांग्रेस ने गठबंधन किया, ऐसा उनका कहना है। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सीधा देखिए। आज राजस्थान प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार की जो अग्निपथ और अग्निवीर स्कीम आई है, उसके खिलाफ पूरे प्रदेश में हमने प्रदर्शन रखा था, परंतु अशोक गहलोत जी की पुलिस ने पहले आम आदमी पार्टी का दफ्तर घेराव किया, उसके बाद जगह जगह हमारे साथियों को प्रदर्शन स्थल पर पहुंचने से रोका गया। अभी अभी कुछ साथी हमारे जो भाजपा का कार्यालय है जयपुर में, उसके सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो अशोक गहलोत जी की पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। मैं अशोक गहलोत जी से पूछना चाहता हूँ, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आज क्या कांग्रेस और भाजपा का गठजोड़ है, जो गठजोड़ मिलके पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करने से रोक रहा है? विभिन्न जगहों पे हमारे कार्यकर्ताओं को डिटेन किया जा रहा है। ये प्रदर्शन तो केंद्र सरकार के खिलाफ था, और ये युवाओं की आवाज़ थी, जो युवाओं को जो ठगा जा रहा है उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने आवाज़ उठाई। क्या ऐसी मजबूरी है अशोक गहलोत जी, जो आपने इस प्रदर्शन को नहीं होने दिया और आपकी पुलिस ने जगह जगह हमें लोग डिटेन किया? मैं आपको आगाह करना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी आपके इस गठजोड़ का पर्दाफाश करेगी, और जो राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलके जो वहाँ के युवाओं को ठग रही है, वो नहीं होने देगी। धन्यवाद।